फांसी की सजा पाए निर्भया के गुनहगार आखिरकार 7 साल बाद अपने गुनाहों की सजा पा ही गए। देश की बेटी निर्भया के हत्यारे 7 साल 3 महीने और 3 दिन बाद अपने अंजाम पर पहुंच गए। निर्भया के चारों दोषियों को शुक्रवार तड़के 5:30 पर तिहाड़ जेल में फांसी पर लटका दिया गया। इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के दोषियों की ओर से फांसी टलवाने के लिए दायर याचिका गुरुवार को खारिज कर दी, जिसके बाद दोषियों के वकील ने फांसी की सजा पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसे शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया। दोषियों को फांसी होने के बाद लंबे समय से इंसाफ की जंग लड़ रही निर्भया की मां आशा देवी ने कहा, हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं है और ना ही वापस लौटेगी। उन्होंने कहा, हमने उसके जाने के बाद ये लड़ाई शुरू की, ये संघर्ष उसके लिए था, लेकिन हम अपनी और बेटियों के लिए ये लड़ाई जारी रखेंगे। बिल्कुल अपने आप को सेव महसूस करेंगी, सुरक्षित महसूस करेंगी कि कहीं न कहीं इन चारों के फांसी के बाद जो हम कहते हैं कि हमें अपने बेटों को सिखाना है, समझाना है, तो अपने आप परिवार सिखाना शुरू करेगा, माँ बाप सिखाना शुरू करेगा कि अगर ऐसा कुछ करोगे तो जी, जैसे इन चारों को फांसी हुई है आपको भी ऐसे। जी मैंने जैसे सुप्रीम कोर्ट से आई, मैंने उसके आगे हाथ जोड़ा, तस्वीर को गले लगाई और मैंने कहा कि बेटा आज आपको इंसाफ।